हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं अनिकेत एंड यू आर वाचिंग योर अनिकेत यूट्यूब चैनल। इस कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक हॉस्टल से। हॉस्टल में दो लड़के रहते हैं, एक रेहांश और एक रजत। रेहांश और रजत की धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे, अलग अलग कमरे में, लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। तो अब दोनों एक डबल रूम का कमरा लेकर हॉस्टल में ही उसी में रहने लगे। दोनों दोस्त एक ही कमरे में रहने लगे। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी दोनों की। रेहांश के पापा ठेकेदार थे, अभी भी है, मतलब बहुत बड़े ठेकेदार हैं। रोड भी बनवाते हैं, उनके पास सारा मशीन है जितना भी रोड बनने में लगता है। तो वह अक्सर किसी काम को लेकर शहर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं अक्सर। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास शायद समय था, तो डायरेक्ट हॉस्टल ही आ गए। हॉस्टल में आए तो ड्राइवर के साथ आए थे, लेकिन ड्राइवर नीचे गाड़ी में था और अंकल ऊपर आए थे। तब रजत भी रूम में उपलब्ध था। जब अंकल आए तो दोनों ने अंकल को नमस्ते किया। अंकल बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, रजत से भी बातें कर रहे थे। रजत को अंकल बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, और अंकल थे भी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थे। आराम से ब्लैक पैंट वाइट शॉर्ट पहने हुए थे, फॉर्मल, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। रजत को वो अंकल बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, मतलब इतना पसंद आ गए कि उसको आपको बता नहीं सकता मैं। तो बैठे बैठे बातें कर रहे थे। इससे पहले रजत ने कभी भी रेहांश के पापा को देखा नहीं था। सुनता था कि ऐसा है, मेरे पापा वैसे हैं, लेकिन कभी देखा नहीं था। और आज जब रजत ने देखा तो उसको अंकल बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। अंकल रजत से भी बातें कर रहे थे, लेकिन रजत बातें नहीं, रजत तो अंकल के साथ दोस्ती करना चाहता था, प्यार करना चाहता था, पर ये संभव लग नहीं रहा था। रजत अंकल को देख बहुत प्यार से रहा था। अंकल भी रजत से बात कर रहे थे, क्योंकि वो तो अनजान थे नहीं, वो रजत को देख पहली बार रहे थे। रजत भी अंकल को पहली बार देख रहा था, लेकिन एक दूसरे को जानते तो थे, क्योंकि रेहांश भी बताया था कि मेरे रूम में रजत रहता है। तो एक दो घंटे बाद अंकल जाने लगे। जाते जाते दोनों को बोले कि अच्छे से रहना, पढ़ाई करना, बोलकर चले गए। अंकल चले गए और रजत तो अंकल के ख्याल में डूबा पड़ा है, मन ही मन में ख्याली पुलाव पका रहा है। रजत को अंकल इतना ज़्यादा पसंद आ गए थे ना, कि रजत ने रेहांश के मोबाइल से चुपके से उसके पापा का फ़ोटो सेंड कर लिया, कुछ फ़ोटो सेंड कर लिया था, और उसको देखते रहता था, खूब देखता था। और इससे ज़्यादा रजत को इंतज़ार रहता था रेहांश के पापा के आने का। और रेहांश के पापा भी अब अक्सर आ जाया करते थे। पहले तो सिर्फ रजत ही अंकल को देखा करता था, उनसे एक तरफा प्यार कर रहा था, लेकिन अब रजत को ऐसा लगता है कि अंकल भी रजत से प्यार करते हैं, मतलब उसको पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि रजत उनके बेटे का दोस्त है, तो अंकल कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा रजत को लगता था। क्योंकि रजत ने कई बार ऐसा नोटिस किया था कि अंकल भी इसको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, ऐसा रजत को लगता था। अंकल जब भी हॉस्टल आते थे तो रजत से बातें तो करते ही थे, और रजत को ऐसा लग रहा था कि अंकल रजत को पसंद करते हैं। रजत जिद पर था कि वो अंकल से बात करेगा ही, पर कैसे। अंकल ऐसे बात तो कर ही रहे थे, लेकिन वो कभी इस तरह का बात किए ही नहीं जिसे थोड़ा सा भी लगे कि अंकल कुछ इरादा रखते हैं। रजत ने बहुत कोशिश की अपने तरफ से। रजत ने तो अंकल के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर दिया था, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके थे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा था। रजत को पहले तो लगा कि शायद अंकल फेसबुक कम यूज करते होंगे, लेकिन एक दिन उसने देखा रेहांश के मोबाइल में कि अंकल कुछ फोटो अपलोड किए हुए थे, तो उसको लग गया कि एक्सेप्ट जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। रजत कभी कभी पीछे हटता था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हट नहीं पा रहा था, वो जिद पर था कि नहीं, उसको ऐसा लग ही रहा था कि नहीं,
अंकल इंटरेस्टेड है, बस मुझसे बात नहीं कर रहे। रजत रियांश के साथ कई बार रियांश के घर भी गया, किसी किसी बहाने से, कभी किसी फंक्शन हो गया, मतलब किसी बहाने से रियांश के घर रजत जाता ही था ताकि उसके पापा से मिलने का मौका मिले। बहुत बार गया उसके घर पर और उसके पापा से बातें भी काफ़ी अच्छी हो जाती थी। दोनों कई बार तो बैठकर बातें कर लिया करते थे। रजत को सुकून तो इसमें भी मिलता था, लेकिन बस रजत का तो एक ही जिद थी कि अंकल इंटरेस्टेड है, वो बस मुझसे नहीं मिल रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आई भी थी रजत और अंकल के साथ कि ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है, कुछ हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कई बार तो दोनों वैसे बातें करते करते करीब आ गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे किस हो जाएगा। तब रजत को पूरा यकीन हो गया था कि नहीं, अंकल मुझसे डर रहे हैं क्योंकि मैं उनके बेटे का दोस्त हूँ। तो रजत ने जब पूरे हाथ पैर चला लिए, अजमा लिए, उसको लग गया कि नहीं अभी सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो रजत ने एक दिमाग लगाया। रजत को लगा कि अगर अंकल इंटरेस्टेड है तो किसी ना किसी लड़के से बात किए होंगे या फिर अभी भी करते होंगे। तो रजत मार्केट गया, मार्केट से नया सिम कार्ड लाया। रजत के पास उनका नंबर तो हो ही गया था। कॉल किया, बोला कि हेलो अंकल, पहचाने? तो अंकल बोले नहीं, कौन? तो बोला कि मैं बोल रहा हूँ, एक बार मिले थे, याद कीजिए ना। फिर अंकल बोलने लगे कि कौन मिले थे, कहाँ मिले थे। फिर रजत के पास कोई जवाब था ही नहीं। रजत ने ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं कॉल तो कर दूंगा, लेकिन बात शुरू कैसे करूंगा, नंबर कहाँ से मिला, ये कैसे बताऊंगा। तो रजत ने उस सिम कार्ड को हटाया, नया फेसबुक आईडी बनाया फेक नाम से, एक अच्छा मास्क वाला लड़के का फोटो लगाकर। उसने उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, सुधीर नाम था अंकल का, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। उसके बाद वेट कर रहा था। फ्रेंड रिक्वेस्ट वो दोपहर में भेजा था, रात के 8-9 बजे के करीब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अभी तक रजत का जो ओरिजिनल आईडी था ना, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। जब इस आईडी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो रजत का वो अच्छा भी लगा कि वह एक्सेप्ट हो गया, और उसको बुरा भी इस बात का लगा कि यानी कि अंकल ये सब देखते हैं, मेरा जानबूझकर नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो जब एक्सेप्ट हो गया तो शुरू में तो वो अंकल के फ़ोटो को लाइक कमेंट किया करता था। कुछ दिन हुआ उसके बाद हाय मैसेज किया, तो उसके एक दिन बाद अंकल एक थंब वाला मैसेज भेजे। फिर रजत ने बहुत कोशिश किया, रजत ने कमेंट अच्छा अच्छा किया करता था ताकि अंकल नोटिस कर ले इसको। फिर वो धीरे धीरे बातें की सिलसिला शुरू हुआ। रजत ने अपनी पहचान छुपाई, बातें करना शुरू किया। अंकल बहुत कम रिप्लाई देते थे, मतलब 3-4 दिन मिलाकर मतलब 10 लाइन बातें होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे रजत ने उनको अपने जाल में फंसाना शुरू किया, तब अंकल थोड़ा रिप्लाई ज़्यादा देने लगे। अंकल पूछने लगे कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो। रजत ने सब कुछ गलत बताया। अंकल ने फोटो भी भेज दिया किसी और का, अच्छा मतलब अपने जैसा ही दिखने वाला, ऐसा कुछ लड़के का फोटो भेज दिया। ऐसे बोलते बोलते धीरे धीरे बोलता है कि दोस्ती करना है। तो अंकल बोले कि आप तो बहुत छोटे हो, मुझसे कैसे दोस्ती कर सकते हो, मैं बहुत उम्र में बड़ा हूँ। तो फिर वही सब रजत बोलने लगा कि दोस्ती में उम्र मायने नहीं रखती। बातें होनी शुरू हो गई। फिर मतलब ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक चला, ऐसा नहीं था इंस्टेंटली हो गया, काफ़ी समय लगा इसमें। उसके बाद अंकल नंबर मांगे। अंकल अपना नंबर तो दे नहीं रहे थे, अंकल वैसे थे बहुत बड़े आदमी पैसे के मामले में। रजत ने बहुत ही मुश्किल से अंकल को मना लिया, तो अंकल ने अपना नंबर दे ही दिया। रजत के पास तो नंबर था ही, लेकिन वो चाहता था कि अंकल से नंबर ले ताकि जब कॉल करे तो बता सके कि हाँ आपने नंबर दिया था फेसबुक पर। बहुत मुश्किल से रजत ने मनाया था, तो नंबर दे दिया अंकल। रजत ने उसी नंबर से कॉल किया जो नंबर से एक बार कॉल कर चुका था, लेकिन अंकल तो बिजी आदमी, उनको क्या ही फर्क पड़ता है कौन नंबर से फ़ोन आया नहीं आया, उनके पास तो कई फोन आते हैं। तो कॉल किया, थोड़ी बहुत बातें हुई, धीरे धीरे बातें की सिलसिला शुरू हुई।
बातें होने लगी। रजत पूरी कोशिश करता था आवाज़ बदलकर बातें करने का, लेकिन फिर भी कॉल पर तो वैसे भी आवाज़ तो बदल ही जाती है। बहुत बातें कर रहा था, अंकल को भी धीरे धीरे शायद इसके साथ प्यार होने लगा था, क्योंकि अंकल भी अब कॉल करना शुरू कर चुके थे। और जब सामने वाला भी कॉल करना शुरू कर दे, यानी कि उसको भी तो फर्क पड़ता ही है, तो दोनों की बातें खूब हो जाया करती थी। बहुत दिनों से दोनों बातें कर रहे थे और रजत मिलने का मना कर रहा था, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ था कि अंकल शहर आए थे और रजत ने भी बताया था कि वो इसी शहर में रहता है, तो अंकल एक दो बार बोले भी थे कि मैं इस शहर में आया हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। तो रजत बोल देता था कि कुछ कोई कोई बहाना बना देता था, और पता है यही चीज़ अंकल को और ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसको लगता था कि मतलब सही लड़का है, ऐसा नहीं है कि मिलने के लिए रहता है सिर्फ, तो ये चीज़ अंकल को अच्छी भी लगती थी। बहुत दिनों से बात हो रहा था, रजत अपनी पहचान बता भी नहीं सकता था और गुमनाम रख कर कर भी क्या सकता था बातें के सिवा। रजत ने तो कई बार सोचा कि अंकल को सच्चाई बता देता हूँ, लेकिन अंकल की बातों से रजत डर जाता था, क्योंकि अंकल इस लड़के से प्यार कर बैठे थे। मतलब वो बातें इसी प्रकार से करते थे जैसे कि जो लड़का जो मतलब ये स्टोरी क्रिएट किया है, अंकल उस स्टोरी वाले लड़के से प्यार करते हैं, ना कि रजत से करते। रजत को लग रहा था कि ऐसा रिश्ता आखिर कब तक चलेगी। अंकल कई बार वीडियो कॉल के लिए बोले भी थे, बोलते थे कि अपना अभी का एक फ़ोटो भेज दीजिए, लेकिन रजत मजबूर हो जाता था, बहाने बनाया करता था। रजत को लगा कि नहीं, अब और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वरना अंकल को उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो रजत ने एक दिन अंकल को बोलता है कि रजत एक दिन अंकल को बोलता है कि मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी है। अंकल बोलते हैं क्या करनी है, तो रजत बोलता है कि आप अकेले हो जाइएगा ना, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा, तब मैं बताऊँगा। तो अंकल कॉल करते हैं, बोलते हैं हाँ अब बताइए क्या बात है। रजत कॉल पर बोल ही नहीं पाता है, बोलता है कि मैं आपको मैसेज बता देता हूँ। उसने मैसेज किया कि मैं रजत हूँ, मैं ही फेक आईडी बनाकर आपसे बातें कर रहा था। उसके बाद अंकल ने ब्लॉक कर दिया रजत को फेसबुक से, वो जो नया आईडी था वो उससे भी, कॉल से भी। रजत को लगा कि यार मैंने क्या कर दिया, उसको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद मुझे ये गुमनाम बनकर ही बात करना करते रहना चाहिए था, कम से कम बातें तो हो रही थी। लेकिन कभी कभी ये भी सोच रहा था कि आखिर कब तक मैं बातें करता, कब तक पहचान अपना छुपाता, एक ना एक दिन तो बताना ही था, शायद वो दिन आज ही था। तो 7-8 दिन तक अंकल ने ब्लॉग खोला ही नहीं, अंकल ने तो ब्लॉग खोला भी नहीं उससे भी। रजत रोज़ कॉल किया करता था, रोज़ चेक करता था कि शायद अंकल ब्लॉग खोल दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। करीब 10 दिन बाद अंकल आते हैं हॉस्टल में। अंकल जब हॉस्टल आए तब रियांश था नहीं रूम पर, यही था रजत रूम पर था। तो अंकल आते हैं तो रजत नमस्ते करता है, बोलता है अंकल बैठिए ना, रियांश आता ही होगा थोड़ी देर में। दोनों बैठे होते हैं, दरवाज़ा तो वैसे हॉस्टल का बंद ही कर देता है लोग, तो दरवाज़ा बंद था, वहीं बैठे थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अंकल इशारा करते हैं कि आओ बैठो बगल में। बगल में जाकर रजत बैठता है, अंकल रजत को पकड़ते हैं जोर से और किस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अंकल बोल रहे थे कि जब हो जाता है किस, तो अंकल बोलते हैं कि मुझे कभी कभी लग रहा था कि तुम ही हो, लेकिन फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। अंकल बोले कि रजत तुम बहुत समझदार भी हो, तो इस बात का ख्याल रखना कि कहीं से भी भूल कर भी रियांश को भनक तक ना लगे इस बात का। और दोनों अब अलग हो गए थे, क्योंकि रियांश कभी भी आ सकता था। तो रियांश थोड़ी देर बाद आ भी गया और रजत तो खुशी से उछल रहा था अंदर ही अंदर कि आज उसको वो मिला था ना जिसकी तलाश इसको कई महीनों से थी। लगभग 7-8 महीने हो चुके थे जब से
रजत ने पहली बार अंकल को देखा था। रजत तो उछल रहा था, बहुत खुश था। अब तो दोनों की बातें खूब हो जाया करती थी, बातें पहले जैसी होती थी। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को जानते थे तो बातें में बहुत सारी ट्विस्ट थी। तो अब बात थी मिलने की, तो अंकल बोले कि हाँ मैं तो आता ही हूँ, मैं आता हूँ होटल में रुकता हूँ, तो इस बार मैं कॉल करूँगा, आप आ जाना होटल में। तो वैसे ही हुआ, उसके पापा आए थे और कॉल किए रजत को। रजत रेहांस को बहाने बनाया कुछ, चला गया होटल। होटल में उन दोनों ने खूब सारा मस्ती किया, बहुत ज़्यादा। होटल में दोनों ने खूब ज़्यादा मस्ती किए और आगे से जब भी दोनों को मिलना होता था दोनों कॉल कर लिया करते थे। रिश्ता दोनों का बहुत अच्छा चल ही रहा था और आज भी चल ही रहा है। बाकी अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत दिनों से 7000 पर रुका हुआ है तो बढ़ा दीजिए इसको। बाकी मैं हूँ अनिकेत, मुझे तो आप लोग अब जान ही गए होंगे। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।